हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर ऑनलाइन एकेडमी प्रीवियस क्लास रे हम किछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करथिले अलजेब्रा पार्ट रो काम अलजेब्रा पार्ट हमर दुटा चैप्टर ऑलरेडी सरी जाय छी फर्स्ट चैप्टर तुमर सरल सहज समीकरण आ सेकंड द्विघात समीकरण वर्तमान हम टिके ज्योमेट्री पार्ट को जिबा ज्योमेट्री पार्ट हम पढेबा त्रिकोणमिति बा त्रिकोणमिति रे त्रिकोणमिति हम पढेबा लिखि दे छी तो त्रिकोणमिति को जिबा पूर्व तुम किछ 9th क्लास रे किछ फार्मूला मन रखियो पडियो सेथिपे मु ओटे एटा एक्चुअली 10th क्लास रो 10th क्लास से तो डायरेक्टली रिलेटेड बट मु ओटे एक्चुअली एटा बेसिक क्लास बा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री क्लास कारण सब जगह फार्मूला तुम रिमाइंड करियो को ए क्लास टा मु ओटे अरेंज कर छी सो जीवा तो फर्स्ट फंडामेंटल बात है ट्रिगोनोमेट्री रो कि फर्स्ट में तुम समकोणी भुजा मधिया बुझो छी ए बी सी एटा थीटा नथिलो ये जो तुम 90 डिग्री बा समकोण तो समकोण का समभुज भाग है हमर कोण कर्ण बा हाइपोटेनस एच थीटा को लागि के जो भागटा सेटा हला बेस बा बी देन थीटा का फ्रंट भाग है पी तो तुम किछ बेसिक फार्मूला मठे लिखि दो छी जोटा फंडामेंटल दा जनरल फार्मूला दा जनरल तुम कोन थिला ना साइन थीटा इज इक्वल टू कौन कौन थी P by H बा उच्चता by लंब P by H देन तमने आज तक कौन ना cos theta इज इक्वल टू कौन ना base by hypotenuse बा B by H देन तमने आज तक tan theta इज इक्वल टू उच्चता by भूमि बा P by B बुझे ना देन साइन और रेसिप्रोकल का मिला था साइन और रेसिप्रोकल कौन थी ना cosec theta cosec theta is equal to r ulta ta p by h h by h by p similarly r samti kon na sec theta kon thila r ulta ta h by p similarly tan reciprocal hela cot theta bujhau chi ye p by b thila ye b by p bujhau chi to taku nei ki dekha mile tomar kon dekho p by h into h by p केते होतला 1 हो बुझियो छी तो सिमिलरली p / h जगह में तो ओके sin थीटा * h / p जगह में cosec थीटा इक्वल्स टू 1 आसीबो बुझियो छी त माने एटा को हम कोन कोसे बा रेसिप्रोकल कांसेप्ट बुझियो छी लिखिबा हम एटा तमन जनरल फार्मूला एति सब पूरा p / p केटा हला तमन जनरल पूरा नोट कर दियो फार्मूला सब याद आसीबा दरकार तब तमन कोन थिला ना रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रिलेशन रेथले जनरल रिलेशन एडा हिते तुम्हारा रेसिप्रोकल रिलेशन बुझियो छी जे रेसिप्रोकल रिलेशन तुम्हार को आसी जोटा हम सेठी कहि ना sin थीटा * cosec थीटा इक्वल्स टू 1 दिस इंप्लाई तुम जदी जमे पचारियो cosec थीटा केते हो 1 बाय sin थीटा बुझियो छी कारण sin थीटा रे पडा से मल्टीप्लाई कर छी पडा ऑलरेडी डिवाइड हे छी सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cosec थीटा बुझियो छी इज इक्वल देन नेक्स्ट तमार को आसीबो ना cos से रिलेशन cos थीटा * sec थीटा यस जीरो 1 बुझला सिमिलरली आ लगे तुम दीटा फार्मूला काढी लिखि परियो देन tan थीटा cot थीटा tan थीटा cot थीटा इक्वल्स टू 1 ये वाला तमरो रेसिप्रोकल रिलेशन तापर तमरो को आसीबो ना स्क्वायर रिलेशन बुझो छी ये कॉपी 1 हो छी तुम को टेस्टनेशन देथिली आउ को देखा दे दो छी माने कर cos थीटा पे हम केते लिखिबा b / h * sec थीटा में हमर केते ना ता उल्टा h / b सो h h कटिला b b कटिला इज इक्वल टू 1 होतला बुझौ छी बताना हम जे स्क्वायर रिलेशन एडा भी लिख दियो इला तमो थर्ड पार्ट स्क्वायर रिलेशन Thank you.
देखो तुम आपको पाइथागोरस थ्योरम विषय सुनथिबो पी बी एच को नहीं हमर रिलेशन कोन थिला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एठे देखो मुझे भी लिखो जे ठीक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कौन आछी मोर देखो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन साइन लगो केते थिला पी बाय एच अर्थात पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर सिमिलरली कॉस रो कोन थिला बी बाय एच तो एटा कोन होबा ना बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तो एलसीएम तमरो एच स्क्वायर गले ये से जो केते ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो अल्टीमेटली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल केते एच स्क्वायर दिस इक्वल एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 तान को पाइले ना sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सिमिलरली तुम घरे ट्राई करके लिखियो मु रेस्ट थीटा लिख दो जेठी घरे ट्राई करियो नहले कमेंट रे कमेंट बॉक्स रे डाल पचाइबो आगला तुम्हार कोन रिलेशन ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये असे जो 1 देन अनदर वन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ये असे जो 1 बुझियो छी ये तमरा वाला स्क्वायर रिलेशन बुझियो छी त्यापर हमर क्वेश्चन रिलेशन एटा नोट कर दियो ये तो मैं चाहने वाला इसको ना क्वेश्चन रिलेशन बुझे हो जी तुम्हारे देखो हमारे साइन थीटा कितने आ रही है पी बाय एच कोस थीटा कितने आ रही है ना पी बाय एच तो ए डी डबल डिवाइड कर देले तो आ कितने आ रही हो ए देखो इंप्लाइज पी बाय एच व्युत्क्रम वाले सिंगल का लोग अप्लाई कर ले डिवाइड है तेरे वोल्टेज जीवो एच बाय पी एच एच कटू थिला ये कौन थिला ना पी बाय बी हुई चीज को हम कहते हैं टैन थीटा ता माने साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को कहते आछ टैन थीटा तो मैं लिखि पर बेटा क्वेश्चन रूल ले साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कौन कहते हैं टैन थीटा सिमिलरली एटा को मैं यदि वोल्टेज देबे तो एटा को वोल्टेज अर्थात 1 divided by sin theta by cos theta is equals to 1 divided by tan theta तो एटा व्युत्क्रम पकेले ना केते हिजो उल्टी जीव cos theta divided by sin theta हिजो तो 1 by tan theta मा केते बाहर थिला रेसिप्रोकल रूल ले cot theta बुझी बुझी ता हम तमे ए गोटे रिलेशन पाइलो ए गोटे रिलेशन पाइलो याको हम कहो क्वेश्चन रिलेशन एटा को नोट कर दियो देन नेक्स्ट तमरो 9th क्लास से थिला कोन ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू बा तम किसी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री किसी वैल्यू थिला जोटा कि तमरो साइन फंक्शन रो बा साइन रेशियो रो तमरो वैल्यू 30 डिग्री जान थिलो तमे 45 जान थिलो आ 60 भी जान थिलो तो नेक्स्ट क्लास रे हम जतरा 10th क्लास भीतर कोन ट्रिगो 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री रे तमे ताउ ता हायर वर्जन जेन दिगे 90 डिग्री 120 डिग्री और 180 डिग्री जानिबो तो देखो मोर टेबल डाटा तमे टेली कर दो छी तमे एठी कोन ना रेशियो बट ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू तो सिंपली मु डायरेक्ट लिख दे छी एला साइन फंक्शन ये थिला तमर कॉस फंक्शन साइन कॉस देन टैन देन कॉट सेक कोसेक बुझियो छी इधर तो हम कौन थीटा वैल्यू फर्स्ट तो मतलब साइन 30 डिग्री तब तो हमारा स्थला 45 तब तो स्थला हमारा 60 डिग्री तो उस खाली रिमाइंड कर ची एक क्लास का सेंटर किसी है ना जो मानो कि बेसिक क्लियर नहीं देखे दियो फॉर्मूला जो दिमाग को आना रही तो हम साइन 30 के तो दिला 1/2 देन कॉस 30 रूट थ्री बाई टू तो समझे टैन थर्टी कितना आसीबो ना साइन थर्टी डिवाइडेड बाई कॉस थर्टी देखो टैन थर्टी डिग्री कितना आसीबो ना साइन थर्टी डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस थर्टी डिग्री फॉर्मूला क्वेश्चन रूल फॉर्मूला
तो साइन 30 डिग्री मोर केते 1/2 cos 30 केते √3/2 तो ठीक व्युत्क्रम अप्लाई करले कोन होबो ना 1/2 ये मल्टीप्लाई करले उल्टी जीवो 2/√3 2 2 कटि जाउ छी 1/√3 त माने हम tan 30 केते पाइले 1/√3 सिमिलरली cot 30 केते हो ना 1/tan 30 बट tan में से रेसिप्रोकल तो लगे तो 1/√3 ता हिजबो √3 सो sec 30 केते आसीबो ना 1/cos 30 त माने cos 30 रो उल्टा था माने 2/√3 सिमिलरली cos 30 केते cos 30 केते आसीबो ना 2 बुझियो छी तार 45 डिग्री कोन थिला sin 45 रा हम थिला 1/√2 cos 45 भी थिला 1/√2 तो tan 45 केते आसीबो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1 cot 45 केते आसीबो ना 1/tan 45 1/1 व्हिच इज इक्वल टू आल्सो 1 अच्छा sec 45 केते आसीबो ना 1/√2 रो रेसिप्रोकल था केवल √2 cosec 45 आसीबो √2 बुझला सिमिलरली तमरो sin 60 केते थिला ना √3/2 cos 60 केते थिला 1/2 बुझियो छी तो तमर tan 30 केते आसीबो ना sin सॉरी tan 60 केते आसीबो ना sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60 ए रेसिप्रोकल सॉरी इक्वेशन रूल लगा यूज करियो तो यस जो केते ना √3/2 डिवाइडेड बाय √3 1/2 2 2 कट जाउ ला आसला 1 बाय सॉरी खाली केवल √3 तो ये आसला तमर tan 60 √3 बुझियो छी तो cot 3 तमर केते आसीबो ना 1 बाय सॉरी cot 60 केते आसीबो ना 1 बाय tan 60 अर्थात 1 बाय √3 तो sec 60 केते आसीबो ना 1 बाय cos 60 अर्थात 2 कारण 1 बाय 2 रो रेसिप्रोकल केते 2 सिमिलरली cos 60 केते आसीबो ना 1 बाय sin 60 अर्थात 3 √3/2 रो रेसिप्रोकल अर्थात 2/√3 यार तुम हायर वर्जन पढ़ियो केते केते डिग्री ना या पर पढ़ियो 60 डिग्री पर 90 डिग्री पढ़ियो तबरे 120 डिग्री पढ़ियो 10th क्लास रे का देन 135 डिग्री पढ़ियो मध्ये तार पढ़ियो 180 डिग्री हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करबा यार 10th क्लास रे ट्रिग्नोमेट्री एरा जस्ट बेसिक ता थिला सब जगह फॉर्मूला ही मन रखियो घरे बसि के पढ़ियो बुझियो छी तबरे हम 90 माइनस थीटा एंगल पढ़िबा 180 माइनस थीटा एंगल पढ़िबा और 90 प्लस थीटा एंगल पढ़िबा बुझियो छी आज भाई एती वीडियो भी भल लागथे लाइक करियो जहां जहां डाउट होछ कमेंट करियो एटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और निश्चित रे इथु भी क्वेश्चन आसीबो फर्स्ट जोरे को सियोर सियोर क्वेश्चन आसे मु सेगुडा को बहुत बढ़िया से पढ़ा देबी जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर देबी आ सब संग मन को शेयर करिवो जहां भी डाउट होछ ए टू जेड सब कमेंट रे कमेंट बॉक्स रे दबो आ हम चैनल को सब्सक्राइब करिवो थैंक यू।